हाँ जी, देखिए आप, अभी हमने लोन के ऊपर किया था। जब लोन के आगे इंटरेस्ट देता है तो हम इसको हिडन एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखा तो मानेंगे सारा का सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटरेस्ट पेमेंट 100 रुपये, मैंने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट जो है 100 रुपये है, तो इस 1 लाख रुपए पे हमारा बनता तो वैसे कितना है, 10%, 10,000 या 1,000 कर देते हैं इसको। तो इसका मीनिंग क्या समझा था अभी हमने, कि अगर 10,000 टोटल ब्याज बन रहा है, जिसमें से 1,000 रुपए का क्या हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो यानी 9,000 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। ऐसे का ट्रीटमेंट हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं और एक बैलेंस शीट में भी लेके जाते हैं इसको हम। देखो, मैंने तो आपको बताया था कि एडजस्टमेंट जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, बट कुछ अभी केसेस और भी करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो एडजस्टमेंट है। तो इस वाले एंट्री को तो सिंपली मैंने बताया ही है कि 1 लाख रुपए यहां आ जाएगा, 1,000 रुपए यहां आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 9,000 रुपए ऐड हो जाएगा, और इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, 9,000। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब मैं इसके आगे डेट दे दूं, सपोज 1/10/2018, और ट्रायल बैलेंस जो है वो है 31/3/2019। तो यहां पे इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। डेट का मतलब है कि हमने लोन लिया इस दिन है, कब लिया है मैंने, 1/10 को। तो जब मेरा, अगर पूरे साल की मैं बात करूं तो पूरा साल मेरा स्टार्ट होगा 1/4/2018 एंड एंड विल बी 31/3/2019। अब मैं जितने दिन तक लोन लूंगा, जितने दिन आपका पैसा इस्तेमाल करूंगा, उतने दिन का ही तो ब्याज दूंगा मैं। ऐसा तो है नहीं कि आपसे लोन लिया नहीं और मैं ब्याज देना चालू कर दूं। मैंने लोन करीब बीच में लिया है, 1/10/2018, तो यहां से लेके यहां तक का मुझे ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मैं 2/10 को इस्तेमाल कर रहा हूं, 3/10 को, तो 31 मार्च तक इस्तेमाल कर रहा हूं। ऑल्दो अभी तक लोन पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन पीएनएल कितने साल का बनता है, 1 साल का, तो 1 साल की बात करो तो 6 महीने तक इस्तेमाल किया। तो अब मेरा इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पता है क्या आ जाएगा, 6 महीने का निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई 10/6/12। अगर यही मैं लिखता 1 जैन 2019 तो कितने महीने का निकालता, यानी आपको डे कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितने दिन का हमने इस्तेमाल किया है। इसके बाद सिंपली यहां पे इंटरेस्ट क्या लिखेंगे हम, ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाता है मेरा 5,000 रुपये, और लोन तो हमारा लाइबिलिटी साइड में है ही कितने परसेंट, और कितने अमाउंट का, 1 लाख, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और आ जाएगा कितना आने वाला है, 5,000। ये पॉइंट समझ में आया, यानी डेट भी बहुत मेजर फैक्टर करेगा हमारे ब्याज के कैलकुलेशन में, डेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सपोज करो मैं यहां पे इंटरेस्ट दे देता हूं, इंटरेस्ट 2,000, इसका मतलब, वैसे तो देखो हालांकि मुझे पता है आप सब समझ चुके हो कि क्या होगा, फिर भी मैं एक बार पूछता हूं कि 2,000 इंटरेस्ट है, अब बताओ क्या एडजस्टमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग कितने का आउटस्टैंडिंग होगा, 3,000। तो उसको कैसे दिखाएंगे हम, उसको तो पहले तो मैं 2,000 दिखा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 इंटरेस्ट दिखा दिया, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग। क्या ये जो 5,000 है सारा आउटस्टैंडिंग है, नहीं, आउटस्टैंडिंग सिर्फ माइनस करके देखेंगे, 3,000 बैलेंस हमारा आउटस्टैंडिंग यहां आ गया, और पीएनएल में देखो टोटल कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो कई बार आपको डेट भी दे सकता है किसके लोन किस दिन लिया है उसके आगे। अब फटाफट इसके बाद ये वाला नोट करें, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम।
देखिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो आप. व्हेन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है, सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है ना साल के शुरू में, ना साल के एंड में, साल के बीच में कभी भी, बीच में भी नहीं होता आपका, साल के ड्यूरेशन में जब मर्जी. अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, लेकिन इसके आगे परसेंटेज जो है ना, इसका मतलब है ब्याज लेना है. लोन पे क्या करते हैं, ब्याज, इसका मतलब है ब्याज देना है. सॉरी, ब्याज लोन पे तो, लोन पे तो हम पेड करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव करते हैं. इन्वेस्टमेंट पे क्या करते हैं हम, यहां पे मतलब है अगर मैं 6 मंथ का काउंट करूं, फिर से देखो 6 मंथ का ही होगा, यानी ये 6 मंथ का ही है. 1/4/2018, 31/3/2019 कितना इंटरेस्ट आएगा, मल्टीप्लाई 10/6/, ये आ गया 5,000. एक तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आ जाएगा 1,00,000. इसके ऊपर का ब्याज P&L के क्रेडिट साइड में, बाय साइड में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट 5,000. डबल एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में ही आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट 5,000. एक्रूड का मतलब है इंटरेस्ट मुझे मिलना था लेकिन मुझे अभी मिला नहीं. सेम अगर मैं यहां पे लिखता इंटरेस्ट रिसीव 2,000, तो 3,000 होता एक्रूड. यानी यहां पे हम कैसे दिखाते, फिर दिखाते हम बाय साइड में इंटरेस्ट 2,000 और एड एक्रूड इंटरेस्ट और टोटल आ जाता, और बैलेंस शीट में भी हमारा जाता 3,000. पिछले वाला तो लाइबिलिटी के ऊपर था, ये वाला एसेट्स पे. अब ये नोट करिए, सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट तब होता जब ट्रायल बैलेंस के बाहर होता, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसलिए मैंने हिडन एडजस्टमेंट के अंदर रखा हुआ है इसे. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 15,000 रुपये, अगर मैं ये डेट यहां से नहीं दिखाता, तो जो ये 15,000 रुपये आपने लिखा, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप एज ए एक्सपेंस मान के दिखा देते. इसमें कोई दो राय नहीं था कि आप सिंपली एक प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट, यानी आप प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा 15,000 रुपये दिखा दोगे. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 15,000. लेकिन यहां पे एक डेट बता रखा है इन्होंने, डेट क्या है, 30/6/2019. अब ध्यान से देखना, मैं अगर अपने ईयर की बात करूं जिसके लिए हमें अकाउंटिंग बोला गया है, 1/4/2018 और एंड होगा 31/3, बट इसके आगे 30/6/2019, यानी जो मेरा साल है अकाउंटिंग करने का, वो साल तो ये है, बट क्वेश्चन कहता है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम यहां तक का पेड किया है 30/6/2019 तक का पेमेंट कर दिया. चलो ब्रैकेट में एक वर्ड और लगा देते हैं, एनुअल, लेकिन आपने पेमेंट एक साल का ही किया है, तो इंश्योरेंस हो सकता है मे बी कि मैंने स्टार्टिंग में ना करवाया हो, मैंने करवाया हो कहीं बीच में. मान लो मैं अगर एक साथ को इंश्योरेंस करवाऊंगा 2018 को, तो एक साल कब होगा, 30/6/2019. तो खर्चे तो पूरे साल का दिखाएंगे, लेकिन जब मेरा खर्चा इस दिन से स्टार्ट हुआ, तो मेरे अकाउंटिंग में खर्चा इतने दिन का ही आना चाहिए. जबकि ये वाला जो खर्चा हमारा है,
ये वाला एक्सपेंस ये वाला एडवांस में चला गया। तो यहां पे जो ये टाइम है हमारा, ये वो टाइम है जो मैं पेमेंट तो कर चुका हूं, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेरा साल खत्म होने के बाद भी चला गया। एनुअल का मतलब क्या होता है? एक साल। इसका मतलब जो ये 15,000 रुपए है वो हमारा एक साल का है, तो डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे ये पता करना होगा मैंने कितने टाइम पीरियड का एक्स्ट्रा दे दिया। तो जितने का मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया उसे बोलेंगे प्रीपेड। कितने? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर डिवाइडेड बाय मैं 12 कर देता हूं तो इसका मतलब 1 महीने का इंश्योरेंस आ गया ये। और मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा? जितने टाइम पीरियड का ये क्या है? एडवांस, यानी मल्टीप्लाई 3। जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? डिवाइड करो इसको, 3,500। अब देखो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इंश्योरेंस दिखा दिया मैंने पूरा पीएनएल में, लेकिन पूरा नहीं है इस बार का खर्चा, इसमें से कुछ लेस करना होगा। लेस प्रीपेड, और प्रीपेड 3,500। हाँ जो, और इसका एसेट्स में दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3,500। तो ध्यान से देखो आप, ये हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट है। अभी इसका मैंने अभी और भी आगे बताना है इसको, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब कभी भी आपको लिखा हो अप टू या एनुअल, तो इसका मतलब जो खर्चा है तो 12 महीने का, लेकिन टाइम देखो कहां से कहां तक का पेमेंट कर दिया। तो जितना टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो टाइम काउंट करो, वो वाला टाइम होगा आपका प्रीपेड। जैसे कि यहां से इतना टाइम एक्स्ट्रा है इसको प्रीपेड बोलेंगे। तो निकाले कैसे? डिवाइड किससे कर देंगे? 12 से, क्योंकि एनुअल तो 12 का ही है। और जितना टाइम, अगर मैं बोलता यहां पे कि 30 अप्रैल 2019 तक का दे दिया, तो इसका मतलब 1 महीने तो फालतू है। तो मैं मल्टीप्लाई कितने करता? 1। 3,750 है। किसने गलत बताया फिर ये? बस बस बस, इधर देख लो, ठीक है 3,750। वो देखो 3,750 था या 3,500, मैटर ये नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट देखो आप कि कितने टाइम पीरियड से और किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलता कि मैंने पेमेंट किया है 28 फेब 2019 तक का, सॉरी 28 फेब मैंने बोल दिया, मैंने पेमेंट किया है 31 मई 2019 तक का, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां पे प्रीपेड है या नहीं है कोई प्रीपेड। है प्रीपेड। कितने महीने का होगा? और उसको निकालना भी आपको पड़ेगा। पहले वाले प्रीपेड में एग्जामिनर दे देता था 500 प्रीपेड, आप फटाफट माइनस करते थे, एसेट्स में डाल देते थे, लेकिन अब आपको प्रीपेड देगा ही नहीं। आपको खुद दिमाग लगाना है कि जी यहां पे प्रीपेड है। दूसरा, आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 12 से करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अगर मई बोला था तो 2 से मल्टीप्लाई, जो अमाउंट आएगा एक तो यहां से माइनस हो जाएगा, और माइनस होके आपको अच्छे से पता है अंदर की साइड लिखा है मैंने, यहां पे आ जाएगा ये। और प्रीपेड जो भी होगा वो कहां चले जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो इसको नोट करो एक बार फटाफट, आप जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। हाँ जी, अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस क्या किया है ये देखना ध्यान से। इंश्योरेंस 1/4/2018 टू 30/6/2019, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। मान लो ये टाइम है मेरे पास 1/4/2018, और ये है मेरा 31/3/2019, और ये है 30/6/2019। क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि हमने इंश्योरेंस इस डेट पे करवाया, लेकिन जो इंश्योरेंस करवाया था वो यहां से लेके यहां तक का था, यानी पूरे टाइम का इंश्योरेंस है, क्योंकि इसमें डेट स्पेसिफाइड करता है कि 1/4/2018 को इंश्योरेंस लिया जो खत्म कब होगा? 30/6/2019। यहां पे भी प्रीपेड है, और प्रीपेड फिर से कितने महीने का है? 3
तीन महीने का ही काउंट कर सकते हो, क्योंकि 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का ही है ना। लेकिन फर्क यह है कि हमने यहां से लेके यहां तक का पेमेंट किया, इसका मतलब ये 15,000 रुपए 15 महीने का है। पहले वाले में क्या था? एनुअल वर्ड था, अप टू वर्ड था, तो वहां पे क्या था? 12 महीने का हम मान के चलते थे जी, 12 महीने का ही पेमेंट होता है। लेकिन यहां पे बता दिया इस डेट से लेके इस डेट तक का है, तो यहां से लेके यहां तक मंथ काउंट करो, कितने मंथ होते हैं आपके? 15। तो इसका मतलब अब डिवाइड कितने से करना पड़ेगा? 15। और प्रीपेड काउंट तो कर ही लिया आपने कि 3 महीने का है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सिंपली अब प्रीपेड निकल जाएगा जो है। अब कैसे दिखाएंगे? एडजस्टमेंट तो सेम है, लेस प्रीपेड 3,000 और प्रीपेड आ गया हमारा 3,000। तो ये सिर्फ इंश्योरेंस पे नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट पे दे सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स किस पे होगा? इंश्योरेंस पे। एक बार हो सकता है हमें डिवाइड करना पड़े 12 से, और एक बार हो सकता है डिवाइड करना पड़े टोटल मंथ से। 12 से कब डिवाइड करना पड़ेगा? जब एनुअल वर्ड हो। और 12 से कब डिवाइड? जब आपको डेट स्पेसिफाइड करेगा। लेकिन अगर आपको शुरू से लेके एंड तक का डेट देता है तो मंथ काउंट कर लो, और उतने मंथ से ही क्या करेंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे। नोट करिए आप इसे फटाफट।